गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपको आगे इस बुक को सिखाने में बहुत काम आएगा। सर आज कोई स्पेशल डे है? नहीं नहीं, आज कोई स्पेशल क्लास है। नहीं नहीं, ना तो आज कोई स्पेशल डे है और ना ही स्पेशल क्लास है। आज जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ उसे मैंने नाम दिया है प्रीटेंस। तुम्हें पता है मैंने इसे प्रीटेंस क्यों कहा? के पहले पढ़ते हैं उन्हें प्रीटेंस कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही, प्रीटेंस में मैंने कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड की है जो टेंस पढ़ाने से पहले पता होनी जरूरी है, इसलिए मैंने इसे प्रीटेंस कहा। ये आज तो पढ़ने में बहुत मजा आएगा, वाओ। देखो, जो किसी कार्य या टास्क को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जैसे कि आई वी यू दे ही शी इट और कोई नेम एटसेट्रा। और जो भी पर्सन कोई काम करता है वो सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि शी डांसेस, आई प्ले, इट रेंस, यू स्टडी एटसेट्रा। इन सेंटेंस में शी, आई, इट, यू ये सारे सब्जेक्ट है ना सर? बिल्कुल सही श्याम। एंड यू नो इंग्लिश में ऑब्जेक्ट भी होता है। सर ये ऑब्जेक्ट क्या चीज है? ये बहुत ही सिंपल है। देखो, जो कार्य कर रहा है वो क्या होता है? सर सब्जेक्ट। वेरी गुड। और जिसके ऊपर कार्य हो रहा है वो क्या होता होगा राहुल? ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही, जिसके ऊपर कार्य हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि मी, अस, यू, देम, ही, हर, ये सभी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सर ये बहुत कंफ्यूजिंग है। नहीं नहीं मालिनी, ये बहुत आसान है, जैसे कि टीच मी, आस्क हिम, गिव देम, मूव इट, ये सभी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो बेसिकली एक टेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो बच्चों, आज आप लोगों ने क्या सीखा? आप लोगों ने सेंटेंस फॉर्मेशन सीखा। तो आप लोगों को सेंटेंस फॉर्मेशन समझ में आया? यस सर। तो ये थी बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन की क्लास और ये था बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन का तरीका। गुड डे।